महाराष्ट्र 70 वी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज। महाराष्ट्र में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई, इस योजना से शिंदे सरकार को मात देने की हो रही तैयारी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके कांग्रेस की नजरें अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को जीतने पर टिकी हैं। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने अभी से सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति की काट करने के लिए योजनाएं तैयार कर रही है। दरअसल कांग्रेस महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार लाडली बहना योजना की काट करने के लिए महिलाओं को लुभाने का प्लान कर चुकी है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन ने महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना NCP गठबंधन की बुरी तरह से पराजित किया है। अपनी हार को जीत में बदलने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन ने महिलाओं को नकद भुगतान करने पर भरोसा जताया है। लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही में पेश किए गए बजट में गठबंधन सरकार ने इस योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 21 से 65 साल की महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। महायुति के लाडली बहना कार्ड का मुकाबला करेगा MVA। सूत्रों की माने तो विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी राज्य की सत्ता में आने पर महायुति गठबंधन द्वारा दी जा रही रकम से ज्यादा पैसे देने पर विचार कर रहा है। MVA इस वादे के साथ महायुति के लिए लाडली बहना कार्ड का मुकाबला करेगी। महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की प्लानिंग। महाराष्ट्र में चुनावों में करारी हार के बाद बीजेपी शिवसेना NCP गठबंधन द्वारा घोषित नई योजना राज्य की महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की प्लानिंग का हिस्सा है। महिलाओं को नगद भुगतान एक सफल रणनीति की कुंजी। वहीं हाल के कई चुनावों को देखें तो महिलाओं को नगद भुगतान राजनीति में एक सफल रणनीति के तौर पर साबित हुआ है। भाजपा को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना से अभूतपूर्व जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनावों में महालक्ष्मी योजना से काफी सफलता मिली है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र में दोनों गठबंधन महिलाओं को अपनी ओर लुभाने के लिए बिसात बिछाने में लग गए हैं। महिलाओं को आकर्षित करके कांग्रेस महायुति का मुकाबला करने की तैयारी कर रही है।